हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपसे भी आशा करता हूँ आपसे भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में अपना वर्कशॉप आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं एम्पलीफायर रिपेयरिंग वगैरह का काम करता हूँ, यानी जहाँ पर मैं अपना काम करता हूँ उसी को हम वर्कशॉप कहते हैं। उसी को मैं आज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करें, यानी जो हमारे घर में 220 एसी वोल्ट जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्लब लगी है, जो कि हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो जो लगा हुआ है उस सब का मेन क्लब होगा, इससे ये यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर पावर सप्लाई आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहे हैं, तो इसमें स्विच का भी इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है, इसमें आपको कई सॉकेट भी नज़र आ रहे हैं। ये स्विच लगाई गई थी जो कि यहाँ पर ख़राब है, इसकी कोई कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्विच लगाई गई। यहाँ पर मैं आपको लाइट देखिए, ये दो सॉकेट यहाँ पर लगे हुए हैं, एक हमारे यहाँ पर ये स्टेबलाइजर से कनेक्ट है और एक हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, इस स्विच से मैं जैसे ही ऑन करता हूँ यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। इसमें आपको एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 12 वोल्ट AC देखने को मिल जाते हैं, 12 वोल्ट DC देखने को मिल जाते हैं और 5 वोल्ट DC देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप सॉकेट देख रहे हैं इनसे हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। और ये स्टेबलाइजर क्या काम है कि सोल्डर आयरन की हीट को हमें कम या ज़्यादा इस स्टेबलाइजर की मदद से करते हैं। और यहाँ पर आप इस बोर्ड को आप क्लियर ही यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सॉकेट हैं, इससे ये कनेक्ट है। वही हमारी यहाँ पर लाइट वगैरह आप देख सकते हैं, ये हमारी एक ई लाइट रही, एक ई लाइट रही, जो कि हमें वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। और एम्पलीफायर रिपेयरिंग में हमें कुछ बहुत कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो इन लाइटों की मदद से हमें वो दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारे ये टेस्टिंग एम्पलीफायर, जिससे हम स्पीकर वगैरह या फिर कोई कंपोनेंट जो एम्पलीफायर से टेस्ट होता है उसे हम इस एम्पलीफायर से टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें ये वॉक्स केबल यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है। तो देखिए, ऑन डिजिटल सही मल्टीमीटर है, ऐसा नहीं कि ये खराब मल्टीमीटर है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। तो देखिए, इस डिजिटल मल्टीमीटर में आपको यहाँ पर लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो फिलहाल मैं इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आयरन देखने को मिल रहा है, ये हमारे यहाँ पर आयरन सोल्डर भी रखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एक और डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि यहाँ पर सही है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल राइट है, ओके है, प्रॉपर है, इसका भी काम नहीं है तो इसे इस साइड से रखा हुआ है। देखिए, हमारा यहाँ पर जो हमारे AC वोल्ट होते हैं, इसका ही अनालॉग मल्टीमीटर, ये हमारा जो एम्पियर होता है इसका ही अनालॉग मल्टीमीटर यानी मीटर है। इसके बाद आपको ये टेस्टिंग होल्डर भी नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेस्टिंग जो LED वगैरह रिपेयर करते हैं, इससे हम AC को टेस्ट करते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस LED लाइट में, इस लाइट में आपको ये सॉकेट नज़र आ रहा है, जो कि हमारी LED पट्टी होती है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये LED पट्टी, इसे टेस्ट करने में ये हमारे यहाँ पर सॉकेट मदद करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, इस प्रकार का मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपको दो तार यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश, एक रेड एक ब्लैक, जो कि प्लस माइनस है, और ये सॉकेट इससे कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम इससे LEDओं को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कंपोनेंट बॉक्स है, इसमें आपको IC वगैरह और ट्रांजिस्टर वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी सारे कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए। और देखिए, ये ड्रम बॉक्स हैं कुछ, तो इसमें भी काफ़ी सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह, यहाँ पर डाइकोड वगैरह काफ़ी सारे रखे हुए हैं, यहाँ पर LED वगैरह भी रखे थे कहीं पर। ये हमारे एक मिनी स्पीकर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये दो स्पीकर हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं, वायर वगैरह भी यहाँ पर रखा हो। देखिए, कुछ एम्पलीफायर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे एम्पलीफायर जो हमारा स्टोर है यानी स्टोर रूम है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं यहाँ पर दिखाने की मैं यानी दिखाने में असमर्थ हूँ। देखिए, हमारी एक मोटर रिपेयरिंग की भी वर्कशॉप है, यदि आप कमेंट करते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जो हमारे स्क्रू ड्राइवर यानी जो कंपोनेंट है, जैसे पेंचस वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल वगैरह, वो सभी हमारी उस वर्कशॉप में होती है जहाँ पर हम मोटर रिपेयरिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर वो आपको दिखाने की कोशिश नहीं करता, केवल यहाँ पर मैं एम्पलीफायर वगैरह जो रिपेयरिंग का काम यहाँ पर करता हूँ, जो अपनी वीडियो शूट करता हूँ वो यहीं पर करता हूँ। मान लीजिए हमारा ये एक स्टूडियो है जहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ, ओके, और जो बाकी का काम होता है वो उसी वर्कशॉप में होता है, जो कि मैं आपको किसी अन्य वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करा देता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4440 का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो आप इसमें एक एम्पलीफायर ही है एक, तो इससे आपको एक स्पीकर लगाकर आप इसे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, यानी किसी चीज़ को टेस्ट वगैरह, या फिर स्पीकर टेस्ट वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं इस एम्पलीफायर से।
सेकंड चीज, आपको इसमें एसी वोल्टेज देखने को मिल जाते हैं 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ। और थर्ड चीज़, इसमें 12 वोल्ट आपको डीसी भी देखने को मिल जाता है। और सेकंड चीज़, इसमें आपको 5 वोल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इतने सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। और देखिए, इसी स्विच से हमारी ये दो लाइट भी कनेक्ट हैं, तो इसी स्विच से ये हमारी दोनों लाइट ऑन ऑफ हो जाती हैं, जिससे मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा झमलेला नहीं होना पड़ता, यानी बार 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 को नहीं लगाना पड़ता है। हमारी एक ही स्विच से हमारा यहाँ पर काम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ टाई वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह ऐसी भी यहाँ पर रखी हुई थी। तो बहुत कुछ है जो कि हमारा उस वर्कशॉप में है, तो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। देखिए, हमारा यहाँ पर स्टोर है जहाँ पर पीसीबी वगैरह काफ़ी सारी पीसीबी है, जैसे टीवी की पीसीबी हो गई, एम्पलीफायर की पीसीबी काफ़ी सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो देखिए, इसी पर यानी यहीं पर मैं अपना काम करता हूँ। आप ये मेरी टेबल देख सकते हैं, ये मेरी चेयर देख सकते हैं। इसी चेयर पर बैठकर मैं अपना सारा काम करता हूँ, यहीं पर मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर किस प्रकार से अपनी वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरे वीडियो शूट करने का स्टैंड है वगैरह वगैरह। तो एक नॉलेज मिल गया होगा आपको कि एक स्टूडियो कैसे बनाना चाहते हो, कैसा हमारा एक वर्कशॉप होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारा एक पीसीबी क्लीनर है जिसे हम थिनो बोलते हैं, इससे हम पीसीबी क्लीन करते हैं। जो हमारा पेस्ट वगैरह की गंदगी होती है वो इससे क्लीन हो जाती है। तो बस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।